हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल नीलम ब्लॉग्स। सो आज हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग कैसे इम्पोर्टेंट है वुमेन के लिए। सबसे पहले कुछ मिथ्स है वेट लिफ्टिंग को लेकर, पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। वेट लिफ्टिंग करने से हम बहुत मैनली दिखने लग जाएंगे, वेट लिफ्टिंग करने से हमारे मसल्स गेन हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग करने से हम बल्की हो जाएंगे, जब हम वेट लिफ्टिंग छोड़ देंगे तो हम बहुत मोटे हो जाएंगे, जिम जाना इज नॉट ए गुड आइडिया, या वेट लिफ्टिंग करने से हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, या वेट लिफ्टिंग सिर्फ मेन के लिए, वुमेन शुड नॉट लिफ्ट वेट। ये सारी चीजें जो हम सुनते आए हैं एंड कहीं ना कहीं हमने उसमें बिलीव भी कर लिया है, बट दीज आर टोटली क्रैप। वुमेन शुड डेफिनेटली लिफ्ट वेट्स। तो अब मैं आपको बता देती हूँ व्हाई वुमेन शुड लिफ्ट वेट्स। सबसे पहले, वेट लिफ्टिंग करने से हम फैट बर्न करते हैं एंड वी डू नॉट लूज आवर मसल्स। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम कार्डियो कर ले अगर हमको फैट लॉस ही करना है या वेट कम करना है तो। यस, कार्डियो इज डेफिनेटली वेरी गुड फॉर योर बॉडी। कार्डियो एक्सरसाइजेस तो करनी चाहिए इफ यू वांट टू लूज वेट और यू डू नॉट वांट टू लूज वेट, बट इफ यू वांट टू बर्न मोर फैट फ्रॉम योर बॉडी यू शुड बी डूइंग कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप कार्डियो करते हो तब आप फैट लॉस तो करते हो प्लस साथ में आप मसल लॉस भी करते हो। उस मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए यू शुड लिफ्ट वेट्स, जिससे आपकी बॉडी से सिर्फ फैट बर्न हो एंड यू डू नॉट लूज मसल्स। क्या होता है जब आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो या जिम में जाके सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस ट्रेडमिल एंड ऑल यूज कर रहे हो, तो जब आप छोड़ देते हो उन एक्सरसाइजेस को तो आपका वेट वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मसल्स लूज करी थी व्हाइल डूइंग दोस कार्डियो एंड यू गेट दैट वेट बैक अगेन। वहीं अगर आप कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो यू डू नॉट लूज योर मसल्स, यू लूज ओनली द फैट फ्रॉम योर बॉडी। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बॉडी से फैट कम करना चाहते हो तो। सेकेंड इज यू गेट टोन्ड बॉडी इफ यू लिफ्ट वेट्स। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलती है। अगर आप सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस करना चाहते हो तो यू विल लूज फैट बट देन यू विल लुक स्किनी। जो बहुत ही पतले पतले पैर होते हैं, बहुत ही पतले हाथ हो जाते हैं एंड यू लुक वेरी स्किनी। वहीं अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो यू लुक वेरी फिट। आपकी बॉडी से मसल्स लूज नहीं हो रहा है and you are only burning fat, पूरी बॉडी आपकी टोन रहेगी एंड यू विल लुक fabulous. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यस, when you get a curvy body, you certainly get the confidence as well. In my school days, I used to be skinny, but I was not that confident. But now, when I am lifting weight and my body is very toned, even though I'm not skinny, but I feel very confident about myself because my body is really toned. Mostly जो actresses है, they lift weights. They do cardio plus they lift weights as well. क्यों? Because they want to get that curvy shape body. अगर आप सोचो कि आप बहुत ही muscles women लगने लग जाओगे तो it's not going to happen. Because हमारी body में वो hormones है नहीं जो हमको muscles provide कर सके. Bodybuilding women जो है उन्होंने बहुत सारे supplements लिए हैं and they are working really hard to get those muscles. But we women could not get those muscles because we do not have hormone inside our body to gain those muscles. We will certainly look like Deepika Padukone or Alia Bhatt agar aap strength training kar rahe ho on a regular basis. Agar aap ek saal tak strength training kar rahe ho to ek saal ke baad aap bodybuilding women nahi lagoge, instead you will look like Alia Bhatt or Deepika Padukone, wherein you will get toned body and sexy figure. Lifting weights strengthens your mind as well. See, when you are doing exercises and when you are lifting weights, you feel very confident and body releases a feel good chemicals, jisse aapka happy hormones release hote hain. You feel very happy about it, you feel very good about it, you feel very confident, you can release your stress and you can manage your stress as well. In that way you strengthens your mind as well. Agar aap bahut hi stressed feel karte ho, bahut hi depressed feel karte ho, choti choti baatein aapko stress kar jati hai and aapka confidence level bahut kam hai, aapne stamina bahut kam hai, you start lifting weights from today onwards. Lifting weights strengthens your bones and muscles as well. जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप किसी हैवी चीजों को उठा रहे हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रही है, यू आर बिल्डिंग योर स्टेमिना, इन दैट वे यू आर बिल्डिंग योर मसल्स। वुमेन आफ्टर अ सर्टेन एज लाइक 25-30 के बाद वी लूज आवर मसल्स फॉर अबाउट 22% एंड वी शुड लिफ्ट वेट्स टू रीगेन एंड रीबिल्ड दोस मसल्स। वेट लिफ्टिंग के और भी बहुत बेनिफिट्स है। आप डिजीजेस से अच्छा फाइट कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रही है, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू फील कॉन्फिडेंट, यू लुक मोर यंगर। सो नाउ आई विल टेल यू कि आप कब एंड कैसे कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यू कैन स्टार्ट विद डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थ्राइस अ वीक। फुल बॉडी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो एंड देन सर्टेनली गो फॉर टू बॉडी पार्ट्स अ डे एंड देन थ्री बॉडी पार्ट्स अ डे। तीन दिन आपको हफ्ते में करनी है। इट शुड नॉट बी कंसेक्यूटिवली बट इट शुड बी ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम चाहिए
चाहिए कम से कम हमारी मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए। जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट है उतना ही मसल्स को रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट। अगर आप मंडे को वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्यूजडे को आप गैप ले लो, या फिर सेम मसल्स को दोबारा नेक्स्ट डे मत रिपीट करो, बिकॉज दोज मसल्स नीड सम टाइम टू रिकवर। सो गर्ल्स, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्रॉम टुडे ओनली। यू शुड चेंज योर परसेप्शन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड यू शुड बिल्ड योर स्टेमिना, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज वीकली। थैंक यू, बाय।